दोस्तों आज की डेट में आईपीएल 2023 और क्रिकेट से रिलेटेड क्या क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई हैं आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। और दोस्तों आपके हिसाब से क्या आरसीबी को अपना कप्तान चेंज करना चाहिए आईपीएल 2023 के लिए, आप अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों सबसे पहली जो अपडेट है वो है दीपक चहर को लेकर, जहाँ पर रिसेंटली दीपक चहर की शादी जो है वो हो चुकी है, जहाँ पर ये इमेज कुछ अच्छी सामने जो है वो निकल कर आई है। इसके बाद अगली जो अपडेट है वो है बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को लेकर, जहां पर दोस्तों खबरें थी कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली रिजाइन जो है वो कर सकते हैं, अपने पद से इस्तीफा जो है वो दे सकते हैं, लेकिन जैसा ने कंफर्म कर दिया है कि सौरव गांगुली ही प्रेसिडेंट के पद पर रिमेन रहने वाले हैं और उन्होंने अभी कोई भी रेजिग्नेशन जो है वो नहीं दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है बीसीसीआई प्रेसिडेंट पद को लेकर। इसके बाद जो अगली अपडेट है वो है सूर्यकुमार यादव को लेकर, जहां पर दोस्तों आईपीएल 2022 से इंजरी के कारण जो है वो बाहर हो चुके थे, लेकिन इसके बाद फाइनली जो है वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं और फाइनली प्रैक्टिस करते हुए जो है आ रहे हैं नज़र। अगली खबर है दोस्तों यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों आरसीबी की जो टीम है अपने कप्तान को चेंज कर सकती है आईपीएल 2023 के लिए, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। क्योंकि फाफ प्लेसिस एज अ कैप्टन तो काफी अच्छे नजर आए थे, लेकिन एज अ प्लेयर आईपीएल 2022 में कुछ खास जो है वो कर नहीं पाए हैं। और ऐसे में दोस्तों बड़ा सवाल है क्या आरसीबी की टीम एक नए कप्तान के साथ दिखेगी आईपीएल 2023 में, क्योंकि फाफ डुप्लेसिस एक फॉरनर प्लेयर हैं और एक फॉरनर प्लेयर की जगह घेरते हैं यहां पर प्लेइंग 11 में। इस पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों आखिरी जो खबर है वो है ओबेड मोकाई को लेकर, राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने आईपीएल 2022 में। इसके बाद T20 ब्लास्ट में अपने डेब्यू पर ही 5 विकेट हॉल लेते हुए जो है वो आए नजर। तो यहां पर ओबेड मकाई भी काफी अच्छे फॉर्म में हमें जो है वो आ रहे हैं नजर। तो दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।